तो दोस्तों ये है स्कोडा कारोब एसयूवी है, ये कोडियाक के नीचे पोजीशन की जाएगी स्कोडा के लाइनअप में। स्कोडा ऐसे सीवीयू इंपोर्ट करेगी फिलहाल इंडिया में, और जैसा कि आप देख सकते हैं सिमिलर कोडियाक की तरह इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है, बल्कि इसकी बटरफ्लाई ग्रिल काफ़ी सेम लगती है। साथ ही साथ हेडलाइट्स इसमें एलईडी डीआरएल, देखिए कैसी डिटेलिंग की है स्कोडा ने इसमें, काफ़ी बेहतरीन लग रही है और प्रीमियम भी लग रही है गाड़ी। और इसके अलॉयज़ देखें आप, 18 इंच के डुअल टोन अलॉयज़ दिए गए हैं, और इसमें 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन आएगा, 150 PS का पावर और 250 Nm का टॉर्क निकालेगा। साथ ही साथ 7-speed DSG ऑटोमेटिक आएगा, 0 to 100 km/h 9 seconds, मैक्सिमम स्पीड 202 km/h है। और इसके कुछ फीचर्स हैं, वर्चुअल कॉकपिट, पैनोरामिक इलेक्ट्रिक सनरूफ, 8-inch टच स्क्रीन, 12-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विद मेमोरी फंक्शन, स्टोन बेज लेदर सीट्स हैं इसमें, 2-zone क्लाइमेट्रॉनिक सिस्टम है, एम्बियंट लाइटिंग भी है, पार्कट्रॉनिक सिस्टम है और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन इसकी स्टाइलिंग है। आइए हम पीछे की तरफ आपको ले जाते हैं, ये देखिए पीछे से काफ़ी अलग दिखती है ये, LED टेल लाइट दिए गए हैं, और इसमें ये वाली जो स्कोडा लेटरिंग है ये नई दी गई है नई गाड़ियों में स्कोडा ने, और ओवरऑल बहुत ही बढ़िया इसमें स्टाइलिंग दिख रही है। कोडियाक से थोड़ी छोटी है मगर काफ़ी बड़ी लग रही है वैसे बात की जाए तो इंटीरियर की। तो आइए देखते हैं इंटीरियर कैसा है, काफ़ी अंडरस्टेटेड और एलिगेंट इंटीरियर है। ये देखिए इसमें एम्बिएंट लाइट ग्रीन और बेज अपहोल्स्ट्री दी गई है, सिमिलर स्कोडा स्टेयरिंग मिलेगा, वर्चुअल कॉकपिट इंटीरियर दिया गया है, और टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम है, डैशबोर्ड डुअल टोन है, ये इसका DSG गेयरबॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और ये इसका काफ़ी बड़ा डुअल पैनल पैनोरामिक रूफ है इसमें, जो कि एयरी फील देगा आपको गाड़ी में जब आप बैठेंगे। आइए हम पीछे की सीट देखते हैं, ये है इसकी पीछे की सीट, लेग रूम बहुत ज़बरदस्त है और साथ ही साथ हेड रूम भी भरपूर है, तो इसमें पीछे ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा आपको, मगर 3 लोग आप ठीक से बैठा नहीं सकते क्योंकि बीच में बहुत बड़ा ट्रांसमिशन टनल है, और कंफर्ट के लिए पीछे AC वेंट्स दिए गए हैं। आइए अब हम इसका बूट देख लेते हैं, बूट इलेक्ट्रिक नहीं है मैनुअल है, और ये देखिए बूट स्पेस काफ़ी तगड़ा है, 60-40 स्प्लिट आता है, साथ ही साथ पीछे का एक्सेस भी दिया गया है। ये देखिए इसमें हुक्स दिए गए हैं आपको, और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, तो ओवरऑल बहुत ही प्रैक्टिकल SUV लग रही है, और ऐसे आप इसको नीचे कर सकते हैं, कैमरा दिया गया है पीछे। तो ये है स्कोडा कारोब जो कि बहुत जल्द लॉन्च की जाएगी, मई तक आनी चाहिए ये इंडियन बाज़ार में, और कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।